राम नमस्ते मेरे यूट्यूब की जनता को, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ASK भाई आफरीन। तो आज मेरा फोर्थ डे इन केरल और काफी अच्छा जा रहा है हमारा ट्रिप, काफी मजा कर रहे हैं हम लोग की। एक फैमिली ट्रिप होने लाइक काइंड ऑफ है, जब तक लाइक इससे पहले आपने मुझे देखो कि मैं अकेले ट्रैवल किया करती थी, बट इस बार एक ग्रुप है हमारे साथ, तो ग्रुप में हमेशा एडवेंचर होना चाहिए। इसीलिए कल हम लोगों ने अचानक से कुछ डिसाइड किया कि एलपी तो घूम लिया है, अभी जो हमारे पास वन डे बचा है उस पर हम जाते हैं वर्कला। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का 6 o'clock और हमारी कार आके नीचे खड़ी है, हम निकल रहे हैं वर्कला के लिए। और वर्कला यहाँ से कुछ है, तो आज आपको मैं लेके चलूंगी मेरे इस ट्रिप में वर्कला। तो मिलते हैं आपको वर्कला के अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे और अच्छी अच्छी चीजें करूंगी, अच्छी जगह पे खाऊंगी, तो सब आपको बताऊंगी मैं इस ब्लॉग में। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग रुके हुए हैं आहार रेस्टोरेंट में और मॉर्निंग का हो रहा है अभी 7:30, मतलब कुछ ज़्यादा जल्दी ब्रेकफास्ट हो रहा है, बट सर दर्द इतना दे रहा है कि अपने को चाय की तलब थी तो चाय के लिए रुके। फिर सोचे एक बार रुके हैं तो ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं, बार बार रुकने की मगजमारी नहीं रहेगी। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ से और डायरेक्ट फिर निकल लेंगे वर्कला के लिए। हम लोग निकले थे 6:20 को, ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया है और 115 किलोमीटर है, तो आई थिंक अभी तक में हम लोगों ने कुछ 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर कवर कर लिया है। मेरा अभी भी सो रही है। तो जी ये है एप्पल और ये है चना, काला चना, जो मैं खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में आज। ब्रेकफास्ट करके हम निकल लिए हैं और मैं आके बैठ गई हूँ फ्रंट सीट में, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, आगे वालों को पीछे भेज देती हूँ और फिर आके फ्रंट सीट में बैठ जाती हूँ। और आज भी जो मैं ये ट्रैवल कर रही हूँ एलपी से वर्कला के लिए रोयरा कैब के से ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रोयरा कैब का जो सर्विस था हम पूरा कोच्ची टू जो मुन्नार 3 days का किए थे, मुझे अच्छा लगा इसीलिए। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 9:15 और हम वर्कला में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से जो हमारा होटल है वो एक और 15 मिनट्स लगेगा जाने में, और जो हमने होटल भी बुक किया है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने एकदम जैसे कि ये अनप्लान था ये वाला पार्ट, और रात में ही होटल बुक किया उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक मिल गया। कि अभी यहाँ पे सीज़न है तो रूम्स मिलना और टैक्सी मिलना थोड़ा डिफिकल्टीज जा रही है और थोड़े एक्सपेंसिव है क्योंकि सीज़न है करके, अदरवाइज मिल जाता, बाकी टाइम में आपको इजीली मिल जाएगा। तो अभी एक 15 मिनट के बाद हम लोग वर्कला का जो हमारा होटल है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। नमस्कार, वेलकम टू वर्कला। गाइस अभी बज रहे हैं 10 और हमने होटल में कर लिया है लाइक एंटर कर लिए हैं, लेकिन जो हमारा चेक इन है थोड़ा लेट है क्योंकि हम लोग चेक इन टाइम से पहले आ गए हैं, तो अर्ली चेक इन अभी कह रहे हैं पॉसिबल नहीं एटलीस्ट फॉर 1 आवर। सो हम यहाँ पे गार्डन में बैठे हुए हैं और जो मेरे पीछे ये बैक वाटर है और बैक वाटर के पीछे है सी है, बीच है, और ये जो गार्डन पे मैं खड़ी हूँ बहुत ही अच्छा गार्डन है। यहाँ पे कायाकिंग वगैरह भी यहाँ पे पीछे होता है बैक वाटर पे, तो मैंने सोचा वो एक्टिविटी मैं करूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम पीते हैं, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं जब तक हमारे रूम का चेक इन नहीं हो जाता। मीरा थोड़ी सी खुश दिख रही है बीच पे आके। हाँ मीरा, कार में थोड़ी इरिटेट हो गई थी बट यहाँ पे आके काफ़ी खुश है, और ये गार्डन काफ़ी इनका अच्छा है। यारी स्नेहल मैडम कार चला के यही लेके आए हैं हमको, तो ये थक चुकी है ड्राइव करते करते। और यहाँ पे कायाकिंग तो होते ही होता है,
लेकिन यहाँ पे बीच जो है, ये जो आप स्पेस देख रहे हो ये बैक वाटर है, बीच में जो जहाँ पे पेड़ है उसके उस साइड में बीच है, तो यहाँ से वहाँ तक बीच में जाने के लिए बोट है, विच इज़ एक्साइटिंग पार्ट अगेन। गुड दर्शकों, अभी मैं आई हूँ वर्कला क्लिफ पॉइंट पे। यहाँ ये जो क्लिफ है पीछे, इसके नीचे बीच है। अभी हम क्लिफ पे चल रहे हैं। पार्किंग है यहाँ पे पीछे सारे व्हीकल्स के, बहुत बड़ा पार्किंग है। हेलीपैड दिखता है नाम से, गूगल मैप पे लगाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो अभी हम लोग क्लिफ वे पे ही घूम रहे हैं क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हमें लंच करना है। लेकिन ये जो पूरा लाइन है, यहाँ पे सारे कैफेज हैं, तो एक राउंड मारेंगे और देखेंगे जो अच्छा लग रहा है उस रेस्टोरेंट में जाएंगे। ये ऑलमोस्ट थोड़ा गोवा जैसा लग रहा है। बट क्लिफ के ऊपर से जो व्यू है बीच का, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लोग अच्छा खासा स्विमिंग भी करते हैं। तो मैं अभी वर्कला में क्लिफ के ऊपर जो शॉप्स हैं वहाँ पे आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्नेहल कुछ कुछ अपने लिए बाय कर रही है। वर्कला शॉपिंग के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप बजट फ्रेंडली है तो ये जगह शॉपिंग के लिए इतना बेस्ट नहीं है। देन शॉपिंग के बाद हम गए गॉड्स ओन कंट्री रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। और मैंने इस रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी सुना था, गूगल भी किया, मैंने रिव्यूज़ अच्छे थे, मैं इसलिए गई। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था बिल्कुल भी सही नहीं था। यहाँ पे हमने जो भी ऑर्डर किया था मुझे कुछ खास नहीं लगा, सिर्फ फिश करी एंड राइस ही मुझे बेटर लगा। तो हमने यहाँ पे लंच किया और एक थोड़े देर के लिए ब्रेक लेने के लिए हम लोग वापस होटल चले गए। गुड इवनिंग दर्शकों, अभी हो रहा है इवनिंग के 5:30 और मैं जा रही हूँ मेरे होटल के बैक में जो बीच है वो कवर करने के लिए। हमारी बोट आ गई है, आप ही लेके जाएंगे ना? यू गोना टेक अस? या ओके, सो यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग, होटल, बोटिंग, कायाकिंग, मल्टीटास्किंग। हम बीच पे पहुंच गए हैं। सर नंबर ले लो रहा उनका। एक्चुअली में इस रिसॉर्ट का प्राइवेट बीच है और जो भी आसपास में जो भी रिसॉर्ट है उनका ये प्राइवेट बीच है, तो यहाँ पे ऐसा ज़्यादा क्राउड नहीं आता है, सिर्फ जो होटल्स के जो गेस्ट हैं वही आते हैं। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे मैं वर्कला गई थी दोपहर में, लेकिन मैंने बीच क्यों नहीं वहाँ पे एक्सप्लोर किया? तो जी रीज़न ये है कि उस वक्त इतनी धूप थी वहाँ पे कि ये नीचे उतर के जाना इम्पॉसिबल था, और साथ में बेबी भी था हमारा और हम भी थक चुके थे क्योंकि सुबह से निकले हुए थे। तो हमने सोचा कि लंच करके जाएंगे रिसॉर्ट पे, रेस्ट करेंगे। Oh, oh, oh.
गुड इवनिंग गाइस। तो सनसेट देखने के बाद और ड्रोन उड़ाने के बाद डायरेक्ट आ गई मैं वर्कला क्लिफ पे यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो वर्कला में आप लोगों को शॉप्स बहुत मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव जगह है फॉर शॉपिंग। मैंने लंच किया आज गॉड्स ओन कंट्री में और वेटिंग इतना था कि मैंने खाना ही नहीं खाया और पे करके आया बस। तो अगर आप वर्कला आते हैं तो वर्कला क्लिफ का जो एक्चुअल मजा है ये आपको रात में मिलेगा जब यहाँ की मार्केट चालू हो जाती है। Hello.